भूत बंगला का एक रेबे था, बहुत सौ लोग यहाँ कोई कैंसर की शिकायत है की वो पीवे तो वैसे भी शांति मिले। अरे बोला यार तुलसी पढ़ ले सिरे वो समझे ना, अभी बहुत छोटो टाबर है, अब के इतनी साहित्य प्रांसा संस्कृत बस सब चीज़ एक मिनट सीख ले सी कोई। माथो बिड़ना उरे माथे के माने चोट आई, चोट लागना हूँ बांगे खून नहीं गिड़ो, खून लागना हूँ तीसरो ने खुल्यो। राम राम समाऊ थरदेशी पत्रकार मनोज थे देख रहे हो झलको चूरू। आज अपा एटम को रायना और अठे आचार्य महाप्रज्ञ है बांगे जन्मस्थली माने जब टमकोर की अपा बात कर लिया तो झुंझुनू अपा लास्ट गांव है कैस का और पहलो चूरू तरफ यदि झुंझुनू आ तो पहलो गांव वो आवे और अठे के आंगो फिर लिंक है वो सरदार शहर में तमाम दीक्षा वगैरह है वे सरदार शहर में हो रहा कैस का चूरू आंगो लिंक है तो बातचीत करके देखांगा। आंगी जन्मस्थली पर मैं मौजूद हूँ और इन्हें थाना दिखाना चाहूँगा आंगो शयन कक्ष है अठे बांग माता जी वगैरह रह करता और गाँव का लोग अपने साथ जुड़े बन आप पूछ के भी देखांगे के स्ट्री ही बाकी चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब कर लियो, सब्सक्राइब करने खातर सब्सक्राइब बटन दबाओ साथ ही साथ बेल भी दबा लियो ताकि आगे जो भी वीडियो आए वो नोटिफिकेशन थाने मिल सके। लुक मेचनी खेला तो आंख का मतलब एक दूसरे ने आंख बेच के आंख का पट्टी बांध के ढूंढनो तो ढूंढते टाइम चला जब और सिर भिड़ो और माथो बिड़ना उरे माथे के माने चोट आई चोट लागना बांगे खून नहीं गिड़ो खून लागना और बांगो जगदिन हुई मतलब तीसरो नेत्र खुल्यो। ढाई साल का ने जहाँ का पिताजी को स्वर्गवास हो तो वहां पर की जी ढाई साल का भी टेम का मायने माचा पर है और ए मतलब बारे खुले स्थल के मायने वहां पर की जी को जन्म हो तो बांगी गुआजी कपड़ा में लपेट के ला लिए कमरे में जन्म अठी जन्म अठी बाई स्टेज थी मांग माता जी में सोया हुआ था प्रेगनेंसी थी बच्चे का जो पेट में दर्द चला पेशाब करना बारह गया बारह गया मतलब पेशाब करने के बाद में बच्चों को जन्म अठा गया। अच्छा बाकी मुख्य जन्मस्थली है वा आ है जन्मस्थली आ है मुख्य अच्छा जो है जो अठे खुला आकाश में बाको जन्म मुख्य स्थल अठायो ढाई वर्ष के बाद में आका पिताजी को सरोवर हो गया। पिताजी की डेथ को वो जो सीन वा घटना है ना बाका आज भी बाका याद है ढाई वर्ष का एक बच्चे के भीतर में सुन रही कभी तुम्हें सब जी समझ सकती थी बाकी आठ नौ वर्ष की बात के भीतर में अभी मैं अठम कलकत्ता गया व्यापार करने की दृष्टि से समझे व्यापार करने की दृष्टि की वहाँ काका बाबा से तो आगे दुकान ही बैठे पाकिस्तान में आज पार्टीशन होगी ना वो दुकान ही आगे ये कलकत्ता बड़ा बड़ा रुकिया और बठ से बठ गया पाकिस्तान पाकिस्तान जाकर आपकी दुकान में देख देख करके आगे एकदम घूम फिर करके आ गया। कलकत्ता में ये घटना घटा है कि एक ब्याह शादी फंक्शन को यार जुलूस जा रहे हो टाबर तो हाई आठ नौ वर्ष का बच्चा हाँ काका जी को कुछ आगे सागा जी को भाई जुलूस में चला गया और गुम हो गया कुछ पतो को नहीं आंखों और सहज जी देखो बट से गुम हो जो आदमी बच्चों कितनी दूर कलकत्ता नगरी में चला कर आपको घर वापस आ जाए अस्त दिन की घटना है यार अभी भी कि वी का बाद के अभी तो हम अठ है पड़ता खेलता है क्या पड़ता बढ़ता एक साधु महात्मा आयो एक दिन वो बोलो एक बच्चा की तरफ देख कर ओ बच्चो सात दिन से बेसी जिंदो कुंज रहे तो महाप्रज्ञ जी ने देख कर बोले को जो बहुत बड़ो भारी एक हुई संतकारी महापुरुष हो संत पुरुष हुए गो समझा ने वो कहकर वो आदमी गायब हो गए फिर लोग खोजियो मिले कौन मिले सात दिन के भीतर तो जी का वास्ते करो मेरी डेथ भी होगी तो महाप्रज्ञ जी जो आशीर्वाद देकर वो कह गए मेरी घटना में बाद में फिर वे लोग कैलकुलेशन भी करे सब देखे कोई आदमी हो पता कौन मिले वो चले गए समझा और नौ दस वर्ष के बाद के भीतर में आगे माता जी के थोड़ा वैराग्य हो आगे बहन का भी वैराग्य हो दीक्षा होने के बाद में आना कालगुनी घर समर्पित कर दियो बस वो आगे आगे स्टेज बाय स्टेज की यात्रा आरंभ है आज मत तक पहुँच गया। बचपन के भीतर में थोड़ा नटखट सा था नटखट सा ज़रा धीरे 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 थोड़ा सा विकास के आगे गुरु गणाधिपति गुरुदेव तुलसी था कालगुनी स्वामी था वहाँ को बचपन को हाथ तो मांगो अरे बोला यार तुलसी पढ़ ले सिरे वो समझे ना अभी बहुत छोटो टाबर है अब के इतनी साहित्य प्रांसा संस्कृत बस सब चीज़ एक मिनट में सीख ले सी कोई चार पाँच वर्ष के बाद के भीतर में तुलसी बोला कि देख भाई फिर बात कौन प्रेजेंट क्या समझाऊँ के पढ़ा ये देखिए मुझे इसी की बात है यदि मैं संकल्प कर दी सब कुछ कर सकूँ बट ये संकल्प करो एक एक चीज़ ने जिसको रिकॉर्ड बनाता गया समझा जो चीज़ नहीं होने वाली थी वही चीज़ करके दिखा दी वह गणाधिपति गुरुदेव तुलसी 1996 में देवलोक हो गया गंगासन में गंगासन देवलोक होने के बाद ये आचार्य बन गया ये आचार्य बनने के बाद नेक्स्ट जी को आचार्य आज गया तो आचार्य वर्तमान है ये करीब करीब 2010 में आकर देवलोक होने के बाद बैठ गया घूमता फिरता सदासर आ गया। अच्छा जी लोग आवे तो जी कितनी दूर तक आवे के टाइप की आस्था लेगी या के टाइप आचार्य महापर्ग को जगह
कोई भी सदस्य कोई भी इंसान के ऊपर बांगो हाथ है बांगो मेहर हो रही है और बाकी कर पाऊ बांगे मतलब संपत्ति के मायने में बहुत ही प्रॉफिट हो रही है बांगे आस्था के ऊपर और बीघा मापर के जी के ऊपर आस्था राख रखी है तो आस्था के अनुसार बांगे भाई धंधा है बाड़ी कुछ भी बांगे इनकम आमदनी हो रही है तो वह ई आस्था के ऊपर भाई विचार न देख के उरे दर्शन करना आवे है उरे खर्चो भी लगावे है अब इसार का है अमरनाथ जी तो बांका अब मतलब आका आचार्य मापरगे जी को आशीर्वाद है आशीर्वाद होने के पेट अब आपकी बंसत का मायनू उरा हॉस्पिटल चालू कर रखी है आंखें हॉस्पिटल चालू कर रखी है और अब मैं भी हॉस्पिटल के कार्यक्रम में लाग रहा हूँ तो भी हिसाब लोग और भी आवे है जगह का ऊपर आंख का ऊपर आस्था रखे ना अच्छा जी कोई भी संत हो मेलो या कोई स्पेशल दिन हो तो आंको अब जन्मदिन आसी भी जन्मदिन के ऊपर बारह सा आदमी आके मतलब दर्शन के ऊपर जन्मदिन के ऊपर मनासे तेर से जो हर साल जून में ही वो 19 जून में जो तिथि से आगे पीछे भी होती रहे भी तरीके से जहाँ मतलब आसपास का जितना भी जैन समाज जी और तो यहाँ मतलब प्रोग्राम हुआ बहुत ही बड़ो गुरु महाश्रवण जी तो वह उरे पधारेंगे जितनी गलियां है लाइटा है जो भी मतलब सड़क है सब नई बनेगी उरे अच्छा। यो ट्रस्ट बना होगा आपको समाज है यो ही बना होगा हम कम से कम है भाई पिछे आगे मीटिंग हो तो 25-30 करोड़ रुपया खर्च होगा आगे गांव को डेवलपमेंट भी होगा जहाँ रोड है लाइट है जितनी भी मतलब टूटी फूटी गलियां है खड्डा है सब एकदम प्लेन होगा तो पैदल चल के आवे बे आवे तो बाकी जठे जी भी रस्तो है और है तो बे टोटल जी बे चालना है बे व्यवस्था अपनी ही बैठे हाँ व्यवस्था बांग सा आदमी रहे मतलब जो व्यवस्था आगे करनी है आगे लगा हम जब 5 किलोमीटर चलेगा तो 5 किलोमीटर बाद आदमी रहेगा बाकी व्यवस्था तैयारी करेगा बांगे परिवार की बात कर ले तो आगे भाई वगैरह भी हा के कोई बैठे पिताजी का अच्छा बहन दो ही एक की दीक्षा होगी थी मालवी जी का नाम एक सर्गवास हो गया समाज में जाए पछे कोई शादी ब्याह को भी कोई दिया हुआ के सिस्टम या अलग ही रवे व्यक्ति नहीं दीक्षा लेने बाद कुछ ये तो घर ही नहीं आज का मतलब शादी वादी है बिल्कुल नहीं बल भक्ति के लिए दीक्षा का बिफोर शादी है वही है वो आज वो मन परिवर्तन हो जाए तो वो सब लेस का कोई दिक्कत नहीं साधु बनने के बाद वो भ्रम छोड़ के लेस का यो कुंड भी है वांगो बहुत ही पुराणो है मतलब जी टाइम में जन्म से ही पहली को है तो जो मतलब यो पानी महाप्रगे जी पिया करता वो भी ये लोग बाग आवा मैं भी पीवा यो पानी उरे मतलब बहुत ही पवित्र पानी है बहुत सारे लोग बाहर से इशार है उत्तराखंड दिल्ली कलकत्ता जो बाहर से चेन्नई मद्रास जो बाहर तो लोग रहे तो सब पूरा आवा है पानी लेके जावा है मतलब जो बहुत सारे लोग के यहाँ कोई कैंसर की शिकायत है कि वो पीवे तो वैसे भी शांति मिले मतलब 2018 में ये पूरी खंडर थी एकदम भूत बंगला का एक रहे था तो यहाँ मतलब मॉडिफाई कराया 2019 में बर्थ सेंचुरी जब हुई थी ना तो वो टाइम में पूरा ये मॉडिफाई करवाया हुआ है इसमें 20-25 कमरे ऊपर में ये देखो पूरा खंडर था एकदम मतलब भूत बंगला था छोटी सी एक म्यूजियम टाइप में महाप्रगे जी के नाम से बनाया हुआ है बाहर से लोग आते हैं यहाँ कलेक्टर भी झुंझुनू से अपना उमरदीन खान कलेक्टर साहब भी यहाँ हुए हैं उससे पहले रवि जैन जिला कलेक्टर झुंझुनू वो भी आए हैं और एडिशनल एसपी प्रताप मल केडिया भी आए हैं और एसडीएम तहसीलदार वगैरह सब मतलब विजिट करते हैं साल में या 1.5 साल में 6 महीने में वो लोग मतलब यहाँ पर आते हैं विजिट करके जाते हैं यो अपा जो जन्म स्थान है जो आप देख के आए आप पीछे में वो जन्म स्थान को यो काल्पनिक चित्र बनाए हुए महाप्रगे जी की जन्म कुंडली बनाई हुई है यहाँ पर इनका जो जन्म हुआ था ना वो टाइम में महिलाएं जो फंक्शन करती है तो उनका भी एक काल्पनिक चित्र वो टाइम में तो ये अपना फोटो वाटो तो थी नहीं तो वो टाइम में उसी के हिसाब से अपना एक काल्पनिक चित्र बनाया हुआ है मतलब उनकी जो माँ थी ने बालूजी नाम था उनकी माँ का इनका नाम है महाप्रगे आचार्य महाप्रगे जी का नाम नथु था नथु के नाम से पुकारते थे इनकी माँ तो ये बचपन का उनका सीन है देखो ये 1-2 साल के कितने है देखो ये और ये महाप्रगे जी का तस्वीर है 13 पर्दा आचार्य महाप्रगे जी का ये तस्वीर यहाँ बनाया हुआ है माता जी का तस्वीर बनाया हुआ है बालू जी उनकी माता जी का है और ये उनकी बहन थी मालू जी इन्हें भी संन्यास लिया था एक तो वैसे ही मतलब छोटे में वो दिवंगत हो गई थी छोटी ये इनके हवेली की है मतलब हवेली के सेट है कन्यालाल जी चोरड़िया उनके ये क्या जानकी देवी चोरड़िया कन्यालाल जी इनकी हवेली के मालिक हैं ये लोग इनकी तस्वीर यहाँ लगाई हुई है और इनका चोरड़ियों का इनके परिवार का ये परिवार का हाँ ये को कुंडली ये तो रजिस्टर है विजिटर रजिस्टर है यहाँ जितने भी आते हैं ना तो यहाँ वो लोग साइन करके जाते हैं कब आए क्या आए जिस तरीके से हमारे पास इनका रिकॉर्ड रहता है तो स्पेशल टमकोरुआ कवरेज ही चूरू जिले का दर्शनीय स्थल है बने आगे लियानो अपनो उद्देश्य है बाकी चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब करने खाता सब्सक्राइब बटन दबाओ साथ ही साथ बेल भी दबा लो ताकि आगे जो वीडियो नोटिफिकेशन थाने मिल जाए जय चूरू जय राजस्थान जय हिंद।